Writing for research, the purpose of the thesis. Writing for research is different from other writings that you do because it involves a specific type of writing, और इसमें राइटिंग के कुछ डिफरेंट एकेडमिक राइटिंग के असुल जो हैं वो देखे जाते हैं। Before we move on on how to write a research thesis. Let us look at what is the purpose of a thesis. A thesis is, it is a long piece of research uh, written out by students in a master's course or a MPhil course or doctoral, or doctor's, uh, doctoral study ke baad bhi kiya hai. So why are students asked to write this thesis? They are asked to write a thesis because it enables the students टू डेल्फ इंटू डीपर नॉलेज जब आप एक चीज को खुद से अच्छी तरह पढ़ते हैं और एक इशू को लेते हैं तो आप अपने एक नॉलेज को डाउन करते हैं एक इशू पे फोकस करते हैं उसके सराउंडिंग लिटरेचर पढ़ते हैं कि अभी क्या चीजें हैं एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन थिंग्स सो यू डेफिनेटली एक्वायर अ डीपर नॉलेज यू एक अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यू सो इसके दो फायदे होते हैं आपकी अपनी इन साइट से अंडरस्टैंडिंग भी उस चीज की बढ़ जाती है एंड देन यू हैव दिस केपेबिलिटी और यू हैव दिस ऑपरचुनिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग और गिव मोर टाइम टू समिंग दैट इज ऑफ इंटरेस्ट टू यू सो ये ख्याल रखें कि थीसिस का टॉपिक वो चूज करें जो कि आपको वाकई इंटरेस्ट करता हो सो द गोल ऑफ ऑल द थीस इन राइटिंग इज टू सो टू इनेबल द स्टूडेंट टू सॉर्ट ऑफ सिंथिसाइज वट दे हैव राइट एंड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू रिसर्च एंड डिवेलपमेंट वर्क ऐसा हरगज नहीं है कि क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो यू हैव आपका जो रिसर्च है उस वो इतनी वैलिड नहीं है ऐसा नहीं होता The student's research leads to very interesting insights because most of the times you are working with a very experienced supervisor who also has interest in your specific area. So, mentorship and guidance you deep insights hoti hai in terms of how to deal with the subject and to contribute to existing knowledge. जब आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये होता है कि आप लिटरेचर सर्च करते हैं नाउ वाई डू यू सर्च द लिटरेचर यू सर्च द लिटरेचर बिकॉज यू वॉन्ट टू नो वट हैज बीन गोइंग ऑन इन दिस एरिया बिफोर यू एक्चुअली लुक एट इट फ्रॉम योर ओन एंगल तो जो थ्योरीज लोगों ने प्रपोज की होती हैं आप उन थ्योरीज में इन को में इंडल्ज करते हो आप देखते हो थ्योरीज क्या कह रही हैं और आप कौन सी थ्योरी से एग्री करते हैं इस तरह से जब आप यू ट्राई टू फाइंड योर ओन व्यू तो ये आपको बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेकर जाता है एंड दिस इज एग्जैक्टली वट द पर्पज ऑफ योर थीसिस इज देन एन अदर पर्पज ऑफ योर राइटिंग अ थीसिस और रिसर्च थीसिस इज दैट इट एनेबल्स यू टू प्लान आउट योर ओन रिसर्च तो ना सिर्फ आप थ्यूरीज को और लिटरेचर को देख रहे हो बल्कि आप मेथड्स को देख रहे हो कि कौन सा मेथड आपको बेहतरीन तरीके से आपके रिसर्च के रिजल्ट देगा सो यू आर क्रिटिकली एवेल्यूएटिंग द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू आर यूजिंग यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द आउटपुट ऑफ द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स सो so, आप यहाँ पे ये वैल्यूएट कर रहे हो कि किस तरह मुख्तलिफ मेथड्स यूज करने से मुख्तलिफ किस्म का डेटा जनरेट होगा और किस तरह से वो मुख्तलिफ किस्म का डेटा आपको मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन देगा सो दैट मीन्स दिस इन्वॉल्वस डेफिनेटली नॉलेज एक्विजिशन एट अ डीपर लेवल इट ऑल्सो इन्वॉल्व सिंथिसन ऑफ नॉलेज दैट यू ऑलरेडी हैव तो दो किस्म की नॉलेज आपके पास होती है जब आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको कंटेंट बेस्ड हरी नॉलेज होती है और फिर उसके अंदर से आप देखते हो कि अच्छा मैंने जो कंटेंट किया है उसमें से कौन सा एरिया आपको इंटरेस्ट करता है उस एरिया में आप अपना प्रॉब्लम को लोकेट करते हो दैट यू वॉन्ट टू इन्वेस्टिगेट सो ऑल द टाइम यू आर थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट द कॉन्टेंट दैट हैज बीन टॉट एंड देन यू मूव ऑन टू द मेथडोलोजी टू सी हाउ यू कैन फर्दर इन्वेस्टिगेट वॉट यू हैव इन्वेस्टिगेटेड सो एक बहुत बड़ा पर्पज इसका यह है कि आप इट मेक्स यू सॉर्ट ऑफ इनेबल्स यू टू क्रिटिकली एवेल्यूएट बोथ कॉन्टेंट थ्यूरीज मेथड एंड ऑल्सो सॉर्ट ऑफ इवेल्युएट योर ओन इंटरेस्ट ओ एंड सी के आप उसमें किस तरह से जाना चाह जा रहे हो